हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एश मनी, आपका फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिफ्थ क्लास पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि सर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिफ्थ क्लास यानी पांचवा क्लास पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का क्लास। लेकिन इससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है वो फुल्ली थियोरेटिकल चीजें होने वाली है। फुल्ली थियोरेटिकल मतलब पूरा का पूरा थ्योरी से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा थ्योरी से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। मतलब कि आईआईटी जेई की चीजें आज नहीं आने वाली है। नीट में उस तरीके का क्वेश्चन में भी पूछ दे, क्योंकि नीट में इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बट जेई वगैरह में वैसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास। आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, स्टार्ट करें बच्चे। सारे बच्चे बोल रहे हैं यस सर, और सारे बच्चे बोल रहे हैं हैप्पी टीचर डे। जो स्टूडेंट्स हैप्पी टीचर डे बोल रहे हैं उनको सबसे पहले तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कितना सोच रहे हैं टीचर्स के बारे में। और आप दिल लगा के पढ़ो, उस दिन हम लोग के लिए अच्छा वाला सच्चा वाला टीचर डे होगा। जिस दिन दिल लगा के पढ़िएगा ना, उस दिन सबसे अच्छा हो जाएगा। ओके, जितेश यादव बोलते हैं सर आप गुम हो जाते हैं। सर हाँ, बीच में गुम हो गया था, जिंदगी के राह में थोड़ा बिछड़ गया। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का टॉपिक हमारे सारे बच्चे को पता है ना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि vvi-question.com वेबसाइट पे जाकर मेरे स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स उनको मैं बता दूं कि vvi-question.com वेबसाइट पे जाके आप इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी नोट्स तो अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन राइट तक सारा नोट्स पीछे का आ जाएगा। और आज हम लोग का टॉपिक है, सारे रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है ओके, कि आज हम लोग का टॉपिक है एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। देखिए है क्या ना बच्चे, कि अभी तक हम लोग जितना भी क्लास किए उसमें जेई वगैरह का पूरा क्वेश्चंस भी किए जो पूछा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। हाँ, ये चीजें कि मैं आप लोग को होमवर्क नहीं दे रहा हूं। आई होप कि अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो उसका भी इंतजाम मैं कर दूंगा, उसका भी होमवर्क का भी मैं पूरा मसला सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट कूलम्स लॉ से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये थ्योरेटिकल होने वाला है। आज का क्लास थ्योरी ज्यादा होगा, न्यूमेरिकल्स ना के बराबर या ना होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो छूट गया था और आज मुझे करनी है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। एक बार बताओ बच्चे कि जो पढ़ा रहा हूं वो सही है ना। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरा ये मानना है, कहीं मैं चलिए मैं थोड़ा बिजी हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को चार महीने में पार्ट वन और पार्ट टू का पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवा दूं। पूरा फिजिक्स चार महीने में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? पार्ट वन में यहां यूट्यूब पे कंप्लीट करवा दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी और ईएमडब्ल्यू। पार्ट वन में चैप्टर से वो मैं पार्ट यूट्यूब पे करवा दूंगा, और ऑप्टिक्स वगैरह मैं एन एकेडमी पे करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं कि एन एकेडमी वगैरह मैं करवा दूंगा स्टूडेंट्स यूट्यूब पे, और एन एकेडमी पे करवा दूंगा आप लोगों के लिए मैं ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो बच्चे रेगुलर क्लास करनी है, अच्छी तरीके से क्लास करनी है। ओके, बस आप लोग मन मार के देखो, बहुत सारे बच्चे बोलने लगते हैं सर पीछे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे बच्चे, मैं बहुत पीछे हूं। इसलिए पीछे हूं क्योंकि मैं बीच में वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन कम से कम एक बात की खुशी है, पीछे स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टार्ट तो हुआ। और स्टार्ट हुआ तो कब किसी से पीछे भी नहीं रहने वाला हूं। बस आप लोग दिल लगाकर पढ़िए। आज टीचर डे के मौके पे बस यही कहूंगा स्टूडेंट्स कि इतना 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 दिल लगा के पढ़िए, इतना दिल लगा के पढ़िए कि रिजल्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रिजल्ट आए या ना आए, इतना अंदर से कम खुशी होनी चाहिए कि सर मैंने हार्डवर्क दिल से किया था। कभी जब फ्यूचर में याद करो अपने पल को, तो अंदर से आपको ऐसा लगे कि सर भले ही मेरा रिजल्ट आया नहीं था, लेकिन सर मैंने हार्डवर्क बहुत किया था, सर मेहनत बहुत किया था, ऐसा अंदर से आप लोगों को हो। ओके स्टूडेंट्स, शिव कुमार भी क्यों बोल रहे हैं सर गिफ्ट देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। देखिए सबसे पहला ना स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि जब दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है तो इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स लगता है। सही बोल रहा हूं बच्चे?
हम लोगों को पता है कि दो चार्ज के बीच जब कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है दो चार्ज को, तो इसके बीच फोर्स लगता है और फोर्स निकाला जाता है कूलम्स लॉ के हेल्प से। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू आई आर स्क्वायर, यही ना होगा बच्चे। और जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करना शुरू करो, क्यों रूठे हुए हो मुझसे, चुपचाप पढ़ना है, सर को बताना भी नहीं है। देखो बहुत सारा, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज के बीच जब फोर्स निकालना, तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं के क्यू वन क्यू टू वाई आर स्क्वायर का वैल्यू यूज करते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। लेकिन क्या है ना बच्चे, कि कूलम्स लॉ जो है दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने वाला जो फार्मूला है, ये ऑलवेज अप्लाई नहीं होता है मेरे बच्चे। ये कूलम्स लॉ के जरिए जो दो चार्ज के बीच हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, ये हमेशा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि कभी भी कूलम्स लॉ लगा दिया, नहीं, इसके पीछे का स्टूडेंट्स, ओके, इसके पीछे का मेरे डियर स्टूडेंट्स लिमिटेशन है कूलम्स लॉ का। उस लिमिट के अंदर रहकर ही हमें कूलम्स लॉ अप्लाई करना होता है या कूलम्ब लॉ के जरिए फोर्स निकालते हैं, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं, समझिएगा मैं क्या करूं, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि दो चार्ज हमारे पास क्यू वन क्यू टू आर डिस्टेंस रख दिए हैं, हमें पता है कि इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो अगर आपका कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए क्यू वन और क्यू टू हमारा बच्चे पॉइंट चार्ज है, तो यहां पे हम दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स निकालना रहेगा वो कूलम्ब लॉ से निकाल लेंगे आसानी से। दोनों चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है और हमें कूलम्ब लॉ के जरिए अगर फोर्स निकालनी है तो आसानी से निकाल लेंगे, हमें पता है, और फोर्स का फार्मूला भी क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यही ना होगा मेरे बहादुर बच्चे कि अगर हमें कूलम्ब लॉ के जरिए दोनों चार्ज के बीच फोर्स निकालना हो तो तुरंत से एकदम से निकाल लेंगे, और फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज है तो अप्लाई कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपका चार्ज रेड टाइप का है, आपका जो चार्ज है वो रॉड टाइप का है, रॉड टाइप का ऐसा चार्ज है, ऐसा चार्ज है, और तब आपको दोनों चार्ज के बीच फोर्स निकालनी है, चार्ज वगैरह दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं मेरे डियर स्टूडेंट कि चार्ज वगैरह सब दिया हुआ है आपको, ये देखिए बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, और अब दोनों के बीच अगर फोर्स कहेगा तो आप कूलम्ब लॉ अप्लाई कर दोगे, फोर्स निकाल भी लीजिएगा कूलम्ब लॉ से कि सर वो जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आई आर स्क्वायर होता है, कूलम्ब लॉ आप निकाल भी दीजिएगा, नो डाउट आप निकाल भी दोगे, बट इससे जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका ये जो रॉड वाला चार्ज है ये पॉइंट चार्ज नहीं है। सही बोला बच्चे, आपका जो ये रॉड वाला चार्ज है ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो ये बात माइंड में रखिएगा ना कि यश मनीषर कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा चार्ज कैसा हो। स्टूडेंट्स एक बार सारे बच्चे बोलिए, हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। हम लोग सबसे पहले सारे बच्चे कॉपी में हेडिंग कर लीजिए, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सारे बच्चे हेडिंग कीजिए लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ अपने कॉपी में शॉर्टकट में, ओके। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर डेली वीडियो लाइए, क्या करूं स्टूडेंट्स, डेली वीडियो लाने के लिए मुझे अपने एमिंग हाइट इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ेगा तब मैं डेली वीडियो ला पाऊंगा, जो कि अभी तो फिलहाल बच्चे संभव है नहीं, ओके। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या हो गया बच्चे, कि कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब दोनों चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज। याद रखेंगे सारे बच्चे कि कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब दोनों चार्ज कैसा हो मेरे बहादुर बच्चे, पॉइंट चार्ज। याद रखिएगा इस चीज को कि कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज हो। तो सबसे पहला लिमिटेशन, चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज, चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज, ओके। सबसे पहला लिमिटेशन हो गया स्टूडेंट्स, चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज, ओके। दूसरा लिमिटेशन कौन बच्चे बताएंगे, कोई बच्चे, सब सिर्फ बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में लाइव कब रहते हैं, दीपक कुमार शर्मा, हिंदी मीडियम में इस यूट्यूब चैनल पर नहीं बल्कि एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर रहते हैं। आप एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब पर सर्च करो बच्चे, मिल जाएगा चैनल, उसके अंदर जाके देख लेना, मॉर्निंग में 10 बजे से कल लाइव आऊंगा।
ओके, सेकंड लिमिटेशन कोई बच्चे बता पाएंगे? एक लिमिटेशन तो मुझे पता है कि ठीक है कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई होगा जब दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज में होगा। एक लिमिटेशन और होता है मेरे बच्चे कि जिन दोनों चार्ज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग कूलम्ब लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना, वो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस काफी कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई चार्ज क्यू वन है, ओके, और कोई चार्ज हमारा क्यू टू है। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई मेरा चार्ज क्यू वन है, कोई चार्ज मेरा क्यू टू, बीच का दूरी आर है। हम आसानी से कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे के ए क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आसानी से कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, उसके बीच फोर्स निकाल लेंगे। कितना फोर्स अप्लाई करेंगे? के ए क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। लेकिन अगर चार्ज के बीच का डिस्टेंस काफी कम हो, काफी कम मतलब कितना कम, न्यूक्लियर डायमेंशन से भी कम हो। न्यूक्लियर डायमेंशन आप लोगों को पता है 10^-15 के ऑर्डर का होता है। तो अगर चार्ज के बीच का डिस्टेंस इससे भी कम हो तब कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो ये बात भी आप लोग अपने माइंड में डाल लीजिएगा मेरे बहादुर बच्चे कि कूलम्ब लॉ तभी अप्लाई करते हैं जब चार्ज के बीच का डिस्टेंस काफी 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 छोटा ना हो। के यानी दूसरा हो गया डिस्टेंस बिट, दूसरा लिमिटेशन हो गया डिस्टेंस बिटवीन चार्ज नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए बताइए मुझे, नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए बताइए मुझे बच्चे मेरे सारे स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट्स नहीं, मुझे कभी कभी अपने पढ़ाए गए पे ना शक होने लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बर्बाद हो रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, आनंद मिश्रा ने आंसर दिया सबसे पहले। आनंद मिश्रा आपके लिए एक ताली बजाना चाहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चे, चीजों को सुन के याद रखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है कि कूलम्ब्स लॉ के लिए चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज काफी छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब पॉइंट चार्ज की मैं बात करता हूं ना बच्चे, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि चार्ज छोटा सा पॉइंट होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, किसी भी तरीके का चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है, बशर्ते कि उसका डिस्टेंस ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा सीट है, समझिएगा कोई एक ऐसा सीट है, ओके, और अब इस सीट के में चार्ज है और इसका ऑब्जर्वेशन आप नजदीक वाले पॉइंट से कर रहे हैं, तब आपके लिए ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये सीट बड़ा सा है और आप इसे नजदीक से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी चार्ज को ऑब्जर्वेशन दूरी से कीजिएगा, कुछ ज्यादा डिस्टेंस से कीजिएगा, तब आपके लिए यही चार्ज हो जाएगा पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु टाइप का चार्ज मत समझ लीजिएगा आप लोग, मैं फिर से कर रहा हूं मेरे बच्चे, पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु जैसा चार्ज मत समझ लीजिएगा, पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया एक बड़ा अमाउंट का चार्ज। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्बियन फोर्स। कूलम्बियन फोर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? देखिए सबसे पहले मेरे बच्चे हमें यह जानना पड़ेगा कि कूलम्बियन फोर्स होता क्या है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि आज का क्लास ज्यादा थ्योरेटिकल होने वाला है, ज्यादा आज हम लोग थ्योरी पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो मैं आपसे क्या बोला कि आज हम लोग कूलम्बियन फोर्स की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि कूलम्बियन फोर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, गुण क्या क्या होता है कूलम्बियन फोर्स का। देखिए स्टूडेंट समझिएगा अच्छे से कि कूलम्बियन फोर्स का क्या क्या गुण होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो कूलम्बियन फोर्स कहते किसको। मैंने बोला स्टूडेंट्स कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कूलम्बियन फोर्स कहते किसको, तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसी को कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं ना मेरे बच्चे। दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसी को तो कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं ना। तो अगर दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है कूलम्बियन फोर्स, इसी का प्रॉपर्टी हमें देखना है। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी तो हर एक स्टूडेंट जानता है कि ये जो कूलम्बियन फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक नेचर का होता है, जानते हैं ना बच्चे स्टूडेंट्स। मैं फिर से कह रहा हूं कि सारे बच्चे जानते होंगे कि जो कूलम्बियन फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक नेचर है कि मैग्नेटिक नेचर, कूलम्बियन फोर्स इलेक्ट्रिक नेचर का ना। तो सबसे पहला पॉइंट कूलम्बियन फोर्स का ये हो गया कि ये किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रिक नेचर का, यानी इट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स, पहला प्रॉपर्टी कूलम्बियन फोर्स।
दूसरा प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कि अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होता है। जैसे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच जो फोर्स लगता है, दो मास बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लेकिन कोलंबियन फोर्स अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव नेचर का भी होता है। तो इट इज अट्रैक्टिव, यह आकर्षण भी होता है और विकर्षण का भी होता है एज वेल एज रिपल्सिव। और बताइए मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए मुझे बच्चे, कोलंबियन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, सही बोल रहा हूं मेरे बच्चे? कोलंबियन फोर्स कैसा होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वो फोर्स जो बिना सटे हुए लगे। कोलंबियन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो चार्ज को जब कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं Q1 Q2 को डिस्टेंस पे, तो क्या इसके लिए टच होना जरूरी है कि बिना टच हुए फोर्स लगता है? बिना टच हुए लगता है ना, तो इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो कोलंबियन फोर्स जो हमारा होता है वो हमारा कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर मतलब कि अगर हम चार्ज को एक बिंदु से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएं, मैं बोल रहा हूं कंजर्वेटिव नेचर का मतलब कि अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएं, तो इसके द्वारा किया जाने वाला जो वर्क होगा, वर्क डन, वो रास्ता पर निर्भर नहीं करेगा। मैंने क्या बोला कि इसके द्वारा किया जाने वाला जो वर्क होगा वो रास्ता, किस रास्ता से गया उस पर निर्भर नहीं करता है, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता, इस पर डिपेंड करता है कि वो कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे पहुंचा, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर पहुंचा। तो इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, याद रखिएगा आप लोग। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी एक और लिख देता हूं, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या करता है बच्चे? इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। ओके बहुत सारे बच्चे को डाउट होता है कि सर इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? तो इनवर्स स्क्वायर लॉ समझो बच्चे कि देखो जब कोलंबियन फोर्स निकालते हैं दो चार्ज के बीच, तो K Q1 Q2 IR² होता है। तो आप सबको पता है कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स एफ लग रहा है वो आर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं बच्चे? बताइए कमेंट करके, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो आर का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो आर का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके तो इस बात को मेरे सारे बच्चे याद रखेंगे, क्लियर ना स्टूडेंट्स? तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गया ना थ्योरी का। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करता हूं। ब्रेश कुमार, हाय सर, हाय ब्रेश, विशाल कुमार, रमन, अच्छा इसमें कौन कौन से बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं? रेगुलर मैं नाम से जान जाऊंगा, कौन कौन से बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं? विशाल कुमार, रेहान, मुकेश कुमार, हैप्पी टीचर डे, डे डियर डर हम आपके भूल गए थे, सॉरी सर। ओके मुकेश कुमार लिख रहे, मोहम्मद अरफान खान बोल रहे हैं एक्सप्लेन कर दो एक बार। ओके और मुकेश कुमार बोल रहे हैं, मुकेश पांडा बोल रहे हैं हैप्पी टीचर डे सर, रोशन कुमार बोल रहे हैं आई एम सर, शक्ति कुमार बोल रहे हैं आई एम रेगुलर, सौरभ कुमार बोल रहे हैं हम। ओके आनंद, आनंद मिश्रा को तो मैं जान रहा हूं कि ये रेगुलर हैं। ओके और बच्चे को भी मैं पहचान जाऊंगा धीरे। आप लोग डीपी में अपना फोटो लगाया करो, आप लोग डीपी में अपना फोटो लगाया कीजिए, उसे बदलिए मत, मैं नाम वहां से फोटो देखकर पहचान जाऊंगा सिर्फ। परदुमन यादव भी बोल रहे हैं हम सर, राहुल कुमार बोल रहे हैं सर इंग्लिश मीडियम का है, हाँ इंग्लिश मीडियम का है। ओके मोहम्मद अरफान खान बोल रहे हैं रेगुलर। ओके चलिए बच्चे तो ये तो पूरी बातें समझ में आ गई आपको कि कोलंब्स लॉ का लिमिटेशन क्या क्या और कोलंब्स लॉ का प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये सब 9th, 10th में पढ़ना था बच्चे, 11th में पढ़ना था ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम चीज यहाँ पे है, कोलंबियन फोर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहला कि कोलंबियन फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, दूसरा कि अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और लिखोगे तो सेंट्रल फोर्स होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है ना कोलंबियन फोर्स, सेंट्रल फोर्स जानते हैं ना बच्चे जो सेंटर की ओर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई चार्ज बॉडी है, ये चार्ज कोई बॉडी है, कोई दूसरा चार्ज बॉडी है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ना,
वो हमेशा 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 इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन की ओर लगेगा। जब भी इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा तो हमेशा इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसकी दिशा में लगेगा। आई बात है समझ में मेरे स्टूडेंट्स, उसकी दिशा में लगेगा। किधर? दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के दिशा में। तो याद रखिएगा ये सेंट्रल फोर्स भी है। ओके ओके, रोशन कुमार बोले सर हम लाइव लेट हो जाते हैं, हम पीछे का पूरा वीडियो देखिए। चलिए थैंक यू बच्चे, अगर पीछे का पूरा देख लेते हैं बाद में तो बहुत अच्छी बात है, देखने से मतलब होना चाहिए। ओके मुकेश कुमार बोले कैसे लगाए सर डीपी? प्रोफाइल पे क्लिक करके डीपी लगा लोगे, प्रोफाइल पे क्लिक करके डीपी लगा लो, जैसे हर कोई में लगता है वैसे। यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि गूगल में डीपी कैसे लगाए, यूट्यूब पे डीपी कैसे लगाए, वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना मेरे बच्चे यूनिट ऑफ चार्ज। मैंने पहले ही बोला कि आज का क्लास थ्योरेटिकल होगा, यूनिट ऑफ चार्ज। पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए मेरे बच्चे कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। रेडी कीजिए सारे बच्चे, यूनिट ऑफ चार्ज। बहुत कम बच्चे लाइव देख रहे हैं आज, 14-15 बच्चे मात्र लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल सही है बच्चे, चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है। मुझे ये नहीं बतानी है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। ओके, मुझे चार्ज का SI यूनिट की बात नहीं करनी है मेरे स्टूडेंट्स, मुझे उसके अलावा जो दूसरा यूनिट होता है आप सुने होंगे ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप सुने होंगे EMU, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। स्टैट कूलम्ब सुने होंगे, एबी कूलम्ब सुने होंगे, मुझे इन सब के बारे में बात करना है। तो पहले यूनिट ऑफ चार्ज में एक लाइन लिख लीजिए, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। एक लाइन लिख लीजिए बच्चे, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। ओके, और इसके बाद लिखिए अदर यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट को छोड़ के उसके अलावा जो कोई दूसरा यूनिट है उसके बारे में लिखिए अदर यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज का जो अदर यूनिट है ना बच्चे, एक होता है ESU, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक होता है ESU जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को कहा जाता है स्टैट कूलम्ब, इसी को कहा जाता है स्टैट कूलम्ब। पता है ना बच्चे ESU, EMU ये सब छोटा छोटा टर्म है, जो आप लोग एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। दूसरा यूनिट होता है EMU, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके, और शॉर्टकट में इसे बोलते हैं, इसका एक और नाम है AB कूलम्ब। ओके, तो ये सब जो यूनिट है ना, इससे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा रिलेशन वगैरह का। ओके, और देखो रिलेशन क्या होता है समझ लीजिए कि एक कूलम्ब, अब जब आपका ESU है तो इसका भी कुछ ना कुछ संबंध, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा कूलम्ब के साथ, और आपका जो EMU है इसका भी कुछ ना कुछ कूलम्ब के साथ रिलेशन होगा, होना है ना बच्चे। तो एक कूलम्ब में जो होता है मेरे बहादुर बच्चे, वो 3×10⁻⁹ ESU होता है। ESU बोलिए या स्टेट कूलम्ब बोलिए एक ही चीज है, आप ESU बोलिए या स्टेट कूलम्ब बोलिए एक ही चीज है। और एक कूलम्ब में ही हमारा 0.1 EMU होता है, मतलब AB कूलम्ब होता है, याद रखेंगे ना स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रशांत कुमार की एक EMU में 10 कूलम्ब, बिल्कुल सही है, एक EMU में 10 कूलम्ब होता है, यानी एक कूलम्ब में 0.1 EMU। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, रट लेना है हो सके तो, मैं करो मेरे बहादुर बच्चे की ये रिलेशन आपको याद रखना है, हो सके तो रट लेना है। क्या आपको रखना है कि जो एक कूलम्ब में 3×10⁹ ESU होता है, और साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स एक कूलम्ब में ओके 0.1 AB कूलम्ब होता है। कुछ बोल क्यों नहीं रो पागल, बेट इंडिया लिख रहे हैं, किनको ऐसा लिख रहे हैं बेट इंडिया बताओ? आप ऐसा करोगे मेरे चैनल पे आके बच्चे तो मुझे भी बुरा लगेगा, और जो चैनल को मैनेज करते हैं वो देखेंगे तो ब्लॉक भी कर देंगे, बताओ।
और अगर मान लो ब्लॉक ना भी किए तो मुझे तो बुरा लगेगा, सब ऐसे करोगे, बताइए। तो ये रिलेशन अब सारे बच्चे को याद रखना है। अब इस रिलेशन के बाद क्या होता है कि एक कूलम में हम 3×10⁻⁹ एसी होता है, या हम लोग एक कूलम में 0.1 एबी कूलम होता है, इसमें नो डाउट, ओके, इसमें नो डाउट। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद मैं कह रहा हूं आगे चलने के बाद हम लोग इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, इन दोनों के बीच। लेकिन इससे पहले एक चीज जब मुझे पता हो गया कि एक कूलम में 3×10⁹ ईएसयू होता है, तो एक ईएसयू में भी तो निकाल सकते हैं बच्चे, एक ईएसयू में कितना कूलम हो जाएगा, 1/3×10⁹। सही बोल रहा हूं क्या, यानी 1/3×10⁻⁹ कूलम। जैसे 1 कूलम्ब में इतना ईएसयू, तो एक ईएसयू में निकालेंगे कितना कूलम्ब है, तो इसको डिवाइड में इधर भेजेंगे ना, 3×10⁹ को डिवाइड में भेजना पड़ेगा ना डियर स्टूडेंट। तो जैसे मैं डिवाइड में भेजूंगा, मैं करूं बच्चे जैसे ही डिवाइड में भेजूंगा तो ऑटोमेटिक आपका कितना हो जाएगा, 1/3×10⁻⁹। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा, अगर मैं निकालूं इसके बाद यहां पे कि एक ए बी कूलम्ब या एक ईएमयू में कितना कूलम्ब होगा, तो देखो एक कूलम्ब में 0.1 ए बी कूलम्ब, तो 1 ए बी कूलम्ब में निकालना अगर मुझे रहेगा तो इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे, और डिवाइड में भेज देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा बताइए मुझे, 1/0.1 नहीं आ जाएगा क्या, यानी 10 कूलम्ब। ये रिलेशन याद रखेंगे ना स्टूडेंट्स, सारे बच्चे, मोहम्मद अरफान खान, बेट इंडिया, प्रशांत कुमार, सौरभ यादव, और भी अभिष आज कौन है, अवनीश कुमार यादव। अगले दिन से जैसे देखो बेट इंडिया में लगा हुआ प्रोफाइल, प्रशांत कुमार के चेहरा पे प्रोफाइल लगा हुआ है, तो मैं पहचान जाता हूं बच्चे, क्योंकि ये रेगुलर स्टूडेंट्स है, रेगुलर देखते हैं वीडियो। लेकिन जिनके जिनके डीपी में प्रोफाइल नहीं लगा हुआ है, प्रोफाइल में अपना फोटो, पहले फोटो लगाओ, फोटो लगाइएगा तो मैं अच्छे से पहचान जाऊंगा आपको। महेंद्र कुमार चौधरी, और फोटो चेंज नहीं करना है रोज। आनंद मिश्रा, प्रकाश सिंह, आप लोग भी फोटो लगा के रखना। मोहम्मद अरफान, आप भी फोटो लगाना अपना डीपी में, ताकि मैं आपको जान पाऊं और मैं आपसे बातें कर पाऊं। भाई मैं रेगुलर स्टूडेंट्स को ज्यादा वैल्यू दूंगा ना, रेगुलर स्टूडेंट्स अगर कमेंट करेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के उनको बता दूं फिर से एक बार। और होता है पढ़ने की चीजों में, क्लास में क्या होता है कि डाउट क्लास ही अलग से होता है पूरा का पूरा, उसमें नो डाउट है, ओके। तो ये आपको मैं कह रहा हूं बच्चे कि ऊपर जो मैंने बॉक्स में लिखा है आपको इसे याद करना है, ये जो ऊपर मैंने बॉक्स में लिख रखी है आपको ये याद करना है, ना कि आपको ये नीचे वाला याद करना है। आपको ये नीचे वाला तो रिलेशन से निकल जाएगा मेरे बच्चे, नीचे वाला खुद से निकाल लीजिएगा ना, ये नीचे वाला, नीचे जो बॉक्स में लिखा है वो निकाल लीजिएगा ना कैलकुलेट करके। बस आपको याद करना कि 1 कूलम में 3×10⁹ एसयू, और 1 कूलम में 0.1 एवी कूलम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर बच्चे, चलिए। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए एग्जाम में थोड़ा और क्वेश्चन घुमा दिया तो क्या बोलेगा, अभी जो मैंने पढ़ा वो क्या बोला, कूलम्ब और ईएसयू के बीच रिलेशन पढ़ा, या कूलम्ब और ईएमयू के बीच रिलेशन पढ़ा, लेकिन ज्यादा घुमाएगा तो क्या बोलेगा, ईएसयू और ईएमयू के बीच रिलेशन तो नहीं निकाल सकते, वो भी क्या, एक कूलम्ब में 3×10⁹ ईएसयू और 1 कूलम्ब में 0.1 ईएमयू, तो दोनों तो 1 ही कूलम्ब के इक्वल है ना, ये भी 1 कूलम्ब के इक्वल, ये भी 1 कूलम्ब के इक्वल मेरे बच्चे। तो अगर एल एच एस इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ऑब्वियस बात राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच रिलेशन हो जाएगा 3×10⁹ ईएसयू इक्वल टू 0.1 ए बी कूलम्ब लिखिए या ईएमयू लिखिए। आई बच्चे, तो ये रिलेशन निकल जाएगा उन दोनों के बीच। जो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लो स्टूडेंट्स। भाई अगर इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो एमिंग हाई हिंदी सर्च करके यूट्यूब पे। तो ये रिलेशन आ गया, क्लियर ना बच्चे, ये अच्छी तरीके से, ये इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया। और अगर आपसे एक 1 ईएमयू में पूछेगा, तो अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो और आपसे आ गया कि ये दोनों 1, आपसे पूछ दिया 1 ईएसयू में कितना ईएमयू होता है, जैसे इतना ईएसयू इक्वल टू इतना ईएमयू, नो डाउट, तो 1 ईएसयू में पूछेगा तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको इससे डिवाइड में भेज दीजिएगा,
तो कितना हो जाएगा बोलो मुझे, 0.1 बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईएमयू, नहीं, और 1 ईएमयू में पूछेगा तब बच्चे, मैंने बोला स्टूडेंट्स कि 1 ईएमयू में पूछेगा तो 1 ईएमयू में अगर पूछेगा तो इसको मैं नीचे डिवाइड में भेज दूंगा, ओके, और डिवाइड में मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए डाउट क्लास रखूं क्या बच्चे, मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए डाउट क्लास रखूं क्या, आप लोग बोलोगे तो मैं रखूंगा, लेकिन पूछोगे डाउट में तब ना, कोई भी क्वेश्चन उसमें नीट जेई किसी भी चीज का सारे के लिए डाउट रहेगा, तो यहां से निकाल लोगे। तो इसमें मुझे बताइए, मैं तीन पॉइंट बता रहा हूं, एक ऊपर वाला बॉक्स नंबर 1, नीचे वाला बॉक्स नंबर 2, उसके नीचे वाला बॉक्स नंबर 3 और सबसे नीचे वाला बॉक्स नंबर 4। अगर आप रटने वाले स्टूडेंट्स हो तब तो चारों बॉक्स को रट लोगे, लेकिन अगर समझने वाले हो तो किस बॉक्स से काम चलेगा मुझे बस ये बता दीजिए। अगर आप रटने वाले हैं तब तो चारों को रट लीजिएगा, लेकिन अगर आप समझने वाले स्टूडेंट हो तो मुझे बताइए कौन सा बॉक्स से आपका काम चल जाएगा, आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये बताइए कौन सा बॉक्स, 1, 2, 3, 4। और मैं बता दूं कि एक बॉक्स में आपका पूरा निकल जाएगा, आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे बस करना पड़ेगा। टू, कुछ बच्चे एक बोल रहे हैं, कुलदीप कुमार बोल रहे हैं 2, रोशन कुमार बोल रहे हैं 1 वाला, ओके, अब मोहम्मद अफरान भी बोल रहे हैं 1 वाला, अरफान, कुलदीप कुमार भी 1 बोल रहे हैं, ओके, चंदन सिंह भी 1, शक्ति कुमार भी 1, बिल्कुल सही बच्चे, प्रदुमन यादव भी 1। प्रदुमन आप भी अपना डीपी लगाना, आप भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, अगले क्लास के आने से पहले डीपी कंप्लीट होना चाहिए, फोटो लगा हुआ रहना चाहिए और अपना फोटो बड़ा सा जो कि दिखे। रिया सिंह भी बोल रही है 1, बिल्कुल सही, अमित जैकब भी बोल रहे हैं 1, मतलब कि पहला बॉक्स सिर्फ याद करना है, पहला रिलेशन ये नीचे उसी से कैलकुलेट होके निकल जाएगा। रोशन कुमार, शक्ति कुमार, चलिए ठीक है, तो ये याद रख लोगे ना बच्चे, यूनिट ऑफ चार्ज, इसमें कोई डाउट नहीं ना है मेरे बहादुर बच्चे। चलिए अब इसके बाद एक चीज और होती है स्टूडेंट्स कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मैं जो आप लोगों को मेरे बच्चे भेजा हूं, दिया हूं आप लोगों को, मैं पीडीएफ जो डालूंगा, पीडीएफ नहीं डलाया है लेकिन डला जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हो ना, पीडीएफ नहीं डला लेकिन डला जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग को पढ़ना है इसके बाद कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ, मोहम्मद अरफान बोलते सर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पूछना है सर, ओके, डाउट क्लास में पूछ लेना बच्चे, डाउट क्लास में आप लोगों के लिए रखूंगा डाउट क्लास, और बहुत जल्द मैंने बताया बहुत जल्द अगर सब चीज ठीक रहा, इंटरनेट कनेक्शन उतना स्पीड हमको मिल गया, तो मैं बोर्ड पे आप लोग को लाइव पढ़ाते हुए नजर आऊंगा, और जिस दिन बोर्ड पे पढ़ाने लगा ना उस दिन फिजिक्स में समझ लो कि तुम लोग कहां से कहां पहुंच जाओगे, इतना मैं एक एक टर्म को तोड़ तोड़ कर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाते जाऊंगा। और थोड़ा सा अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो असाइनमेंट वगैरह नोट्स वगैरह एक एक चीज देना शुरू कर दूंगा, टोटल का टोटल होमवर्क वगैरह सब। तो इसके बाद हमें पढ़ना बच्चे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब सुनिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ना मैं यहां पे लाइव वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं, पहला बात कि मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं, दूसरी बात कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा इस पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, थोड़ा सा जो मैं पढ़ा रहा हूं स्क्रीन पे इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो क्या करना मेरे बहादुर बच्चे जब दिक्कत होगा आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए, तो यूट्यूब पे सर्च करना कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बाय एमिंग हाई, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बाय एमिंग हाई, इस नाम से सर्च कीजिएगा, वेक्टर फॉर्म बाय एमिंग हाई, ओके, बाय एमिंग हाई, सर्च कर लीजिएगा मेरे बहादुर बच्चे इस नाम से, और मेरा वीडियो आ जाएगा, मेरा वीडियो उसे आप देख लेना। कुलदीप कुमार बोले सर असाइनमेंट कहां से खरीदे, नहीं बच्चे असाइनमेंट अभी मैंने नहीं दिया है, समझ रहे हो ना, असाइनमेंट मैंने अभी नहीं किसी को नहीं दिया है, दूंगा तो टू नेक्स्ट ईयर से जरूर मैं दूंगा, जो आप लोग के जूनियर होंगे वो जरूर देखेंगे, समझ रहे हैं ना, मैंने बोला कि आप लोग को जो जूनियर होंगे बहादुर बच्चे वो जरूर पक्का मैं गारंटी देता हूं कि उन लोगों को असाइनमेंट वगैरह सब मिलेगा, उसका अगर हो सकता है 500-700 कुछ फी भी रखूं तो नो डाउट,
उतना अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे, बट उनका पूरा का पूरा स्टडी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। एक बच्चे बोल रहे हैं नाइस टीचिंग स्टाइल सर, थैंक यू सौरभ यादव। बट वही है ना सौरभ, कि एक तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख के भाग जाते हैं, उनको रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, 5 मिनट बैठ के ऐसा करके समझना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख के भाग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे की चलो भागते हैं भाग जाते हैं, लेकिन नहीं, रुकना चाहिए, उनको ठहरना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाई ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए, बराबर भाई वो भी आएगा ऑब्जेक्टिव भी आएगा, बैठ तो करो ना, ऑब्जेक्टिव भी मैं लाऊंगा। मयूर बंसी बोल रहे हैं आप हिंदी का लाइव क्लास नहीं चलाते, चलाते हैं बच्चे, आप लोग यूट्यूब पे एमिंग हाई हिंदी सर्च करना, चैनल का नाम एमिंग हाई हिंदी, ओके। अमित जैकब बोल रहे हैं सर गुलाम सुला का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, जरूर बच्चे गुलाम सुला का पीडीएफ मैंने नहीं डाला है, अभी आ जाएगा आपको 1 से 1.5 घंटा के अंदर, और आप नाइट 12 o'clock के पहले आज तक के क्लास का पीडीएफ आ जाएगा, रात 12 बजे के पहले आज के क्लास का पीडीएफ आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। मैंने बाल बोला ना कि मैं अपना नया सेंटर डाल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की बात मैं कर रहा हूँ, अपना नया सेंटर डाल रहा हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी हूं और सारे लोग भी बिजी हैं। ओके कौशल बोल रहे सर आपके बोर्ड में टीचिंग में अच्छा से, मेरा क्या, किसी का भी बोर्ड पर पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से तो ज्यादा ही समझ में आएगा ना मेरे बच्चे, बोर्ड पे पढ़िएगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से तो ज्यादा ही समझ में आएगा, बोर्ड तो बोर्ड होता है क्या, सही बोला ना। चलिए स्टूडेंट ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का यही रहेगा, आप लोग जरूर सर्च कर लेना यूट्यूब पे बाट इज कुलमसला बाय एमिंग हाई, सर्च कर लीजिएगा इस नाम से बच्चे, या फिर मैं वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज वेल एज कमेंट में भी पिन कर दूंगा, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ओके। तो बाय स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं, करे बच्चे आज का क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, बाय बाय। और अगले दिन क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सारे बच्चे अगले क्लास में अपने प्रोफाइल में डीपी लगा कर आएंगे, थैंक यू स्टूडेंट्स, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और ये चीजें याद रखिएगा, और गुलाम सुला को जरूर देख लेना, खास करके सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो जरूर गुलाम सुला को।